सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपके साथ सब जो भी हमारा 31 मार्च का जो भी क्लोजिंग वगैरह करना होता है प्लस 1 अप्रैल से हमें किस तरीके से टेली में काम करना होता है, तो ये सारी चीज़ मैं आपके इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे जो नए टेली यूज़र है जो कि टेली में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारी क्वेरीज है और बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में नया कंपनी भी क्रिएट कर देते। तो मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि हमें 31 मार्च को क्या क्या चीज़ करनी होती है, 1 अप्रैल को क्या किस तरीके से हमारे टेली के अंदर अपडेट करना होता है और उससे कब हमें टेली को स्प्लिट करना होता है, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑल तो आप लोगों का वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आप लोग मुझे मेरी सपोर्ट करते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो और आप मेरे चैनल के थ्रू अच्छी चीज़ सीख रहे हो, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ भी आप बहुत सारे यूज़र्स हैं जो मुझे कॉल भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मेरे वीडियो के थ्रू आपको सपोर्ट मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी भी मैं जो भी नया अपडेट आता रहता है और टेली में जितने भी नए अपडेट आएंगे, जो भी चेंजेस आएगा, टेली 18 भी आने वाला है, तो ये सारी चीज़ के ऊपर मेरा वीडियो कंटिन्यूस बनेगा और कंटिन्यूस मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो इस वीडियो में फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 31 मार्च। अभी जब भी 31 मार्च का टाइम होता है तो उस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ करनी होती है। 31 मार्च को आपको तो जो भी आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपको रेडी करना होता है। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको निकाल के रखना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू आपका जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलता है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर होता है। बाकी आपके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह की एंट्रीज है, परचेज की एंट्री कंप्लीट करनी होती है, जितनी भी पार्टीज है उसके साथ आपका स्टेटमेंट वगैरह प्रॉपर मैच करना होता है, तो ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करनी होती है। क्योंकि आपका लेजर और पार्टी का लेजर मैच होना चाहिए, आपका परचेज़ का लेजर, परचेज़ की भी सारी एंट्री करनी होती है, क्योंकि आपको पूरा परचेज सेल्स ये सारी चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉपर दिखाना होता है। फिर इसके अलावा आपके जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है, एक्सपेंसेस में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि उसको हम लोग पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल या अप्रैल के बाद, तो हमें वो 31 मार्च को दिखाना होता है। जो भी मैंने आगे 2-3 वीडियो बनाए थे प्रोविज़न के ऊपर, डिप्रिसिएशन के वीडियो, प्रोविज़न के वीडियो, तो ये सारे वीडियो को आप देख सकते हो कि उसको आपको 31 में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो उसका एंट्री 31 मार्च को होता है और उसका पेमेंट अप्रैल को होता है। और भी आपको जो स्टॉक है तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी क्या होता है कि हम लोग जो वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनी होती है तो वो प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, तो उसके लिए करना क्या होता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मैन्युअल अमाउंट डालना होता है। बट उसके लिए आपको पहले जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपको उसका वैल्यूएशन निकालना होता है, फिर उसके बाद आप जो ओपनिंग स्टॉक है जो कि आपका लास्ट ईयर में आपने रिटर्न फाइल करने के टाइम पे दिखाया होगा क्लोजिंग के टाइम पे, तो उसका ओपनिंग वैल्यू प्लस उसका क्लोजिंग वैल्यू, जो 31 मार्च को आप क्लोजिंग में दिखाना चाहते हो वो वैल्यू आपको मैनुअल दिखाना होता है, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर रेडी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या होता है, आपका बैलेंस शीट रेडी करना होता है। बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉफिट है आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। फिर ऐसे बहुत सारे अभी वीडियोस बाकी है जो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो अभी नहीं बनाए, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि 31 मार्च को क्या क्या चीज़ करना होता है। फिर उसके बाद जो भी आपके असेट्स वगैरह होते हैं उसका डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है, तो आपका कैपिटल रेडी होता है, फिर आपका करंट असेट रेडी होता है, फिर आपकी लायबिलिटीज़। इसके लिए मैंने एक एक्सेल फाइल, जो मैं रेगुलर रिटर्न फाइल करता हूँ उसमें मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है, जिसमें मैंने सारी चीज़ जो आपका परचेज सेल्स उसके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह होता है, फिर आपका कैपिटल है, फिर आपके बैंक के ट्रांजैक्शन है, तो ये सारे के ऊपर मैंने पूरा मैं अपना बैलेंस शीट रेडी करता हूँ। तो ये एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बैलेंस शीट एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट रेडी होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपको बैलेंस शीट भी कंप्लीट रेडी करना होता है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपका बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको क्लियर कर कंप्लीट कर देना है। तो जो भी आपका 31 मार्च तक की एंट्रीज है आप जब भी उसको आप कंप्लीट कर लेते हो उसी के बाद आप कंपनी को स्प्लिट करो। तो फर्स्ट आपको क्या है ना, आपका जो भी रनिंग कंपनी है तो आपको अप्रैल से कंपनी को स्प्लिट नहीं करना है, नया कंपनी क्रिएट भी नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको पीरियड चेंज करके
जो भी आपका पीरियड रहेगा, जैसे कि आप 18, 19 में काम कर रहे थे, तो आपको गेटवे स्क्रीन पे ऊपर आपको अल्ट एफ टू से 19, 20 कर देना है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो उससे क्या होगा कि आपका 1 अप्रैल का बिलिंग चालू हो जाएगा। पर आप उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको नंबरिंग वगैरह भी सेट करना है, कि आप अलग टाइप का जो 1 अप्रैल से आपका इनवॉइस बने तो उसमें आप अलग से प्रीफिक्स, सफिक्स या नंबरिंग कुछ अलग तरीके देना चाहते हो, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, आपको आई बटन पे उसका डिस्क्रिप्शन ये वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो कि 1 अप्रैल को आपको किस तरीके से इनवॉइस नंबरिंग सेट करना है। तो वो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिंपली बस पीरियड चेंज करके अपना करंट पीरियड का आपको ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देना है। और जब भी आपका 31 मार्च का एंट्री कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको कंपनी स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना क्यों जरूरी, वो भी मैंने आगे आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्लिट करने से होता क्या है कि आपका जो भी 31 मार्च तक की एंट्री होती है वो बहुत सारा डेटा होता है, तो उसकी वजह से आप जो रनिंग कंपनी में काम करते हो उससे सिस्टम पे मतलब लोड पड़ता है, आपके टेली के लोड डेटा के ऊपर लोड पड़ता है, तो आपका टेली स्लो वर्क करने का चांसेस रहता है। तो आप क्या करो, जब स्प्लिट कर लेते हो तो आपका अलग जो लास्ट ईयर का डेटा है वो अलग हो जाएगा, तो आपको स्लो होने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको करनी है, और 1 अप्रैल में आपको प्रोविज़न का जो आपने एंट्री किया होगा उसका आप जो भी पेमेंट वगैरह है तो उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट भी करना होगा। और ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको अपना स्प्लिट करने के बाद आपका 3 कंपनी रेडी होता है, एक जो आप रनिंग कंपनी में काम कर रहे हो 2 साल में, फिर एक कंपनी होता है जो लास्ट 31 मार्च तक का आपको जिसमें बैलेंस दिखाएगा, क्लोजिंग वगैरह दिखाएगा, और एक कंपनी होता है जो आपको 1 अप्रैल से ओपनिंग के साथ में जो भी आपका 31 मार्च का क्लोजिंग होगा वो ऑटोमेटिक आपको ओपनिंग में दिखा देगा, और ओपनिंग से आपका नया कंपनी क्रिएट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको 30 अप्रैल तक तो कंप्लीट करनी होगी, आपको जो भी अपना बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कंसल्टेंट या सीए को देना है, तो आपको 31 मार्च की सारी एंट्री कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको 31 मार्च की और भी कोई एंट्री में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, और भी अगर कुछ वीडियो बाकी से रह गए तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आपको यही चीज़ गाइड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कंपनी, नया कंपनी क्रिएट करना है, स्प्लिट कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये वीडियो के थ्रू मैं आपको यही चीज़ गाइड करना था। और भी है 1 अप्रैल को क्या क्या ट्रांजेक्शन करना है, और भी कुछ वीडियोस बाकी है जो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से GST को टेली में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो उसके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, और जो भी छोटे मोटे क्वेरीज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप जाके और भी बहुत सारे वीडियोस हैं आप उसको देखें, आप टेली में अच्छी तरीके से किस तरीके से सारी चीज़ इंप्लीमेंट करनी उस चीज़ को आप सीख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।